देखिए, जैसा कि टमाटर का खेती सभी किसान भाई झारखंड में करते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे टमाटर में लगने वाले रोग के विषय में, तो आप देखेंगे कि जब आप बिचड़ा तैयार करते हैं तो बिचड़ा से ही इसमें रोग लगना शुरू होता है और उसे उसका प्रबंधन हमें करना है। सबसे पहले जब हम बिचड़ा लगाते हैं तो उसमें आप देखे होंगे आर्द्र गलन रोग, है ना, जिसको डैम्पिंग ऑफ हम लोग कहते हैं, जो कि फफूंद से होता है। पीथियम, फाइटोप्थोरा और राइजोक्टोनिया कई तरह के फफूंद हैं जिसके चलते देखेंगे कि तना के नीचे वाले पोर्शन में जो है सो वो गल जाता है जब वो पौधा नर्सरी में रहता है। तो इसका प्रबंधन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा देखेंगे कि किसान भाई जब खेत में जाते हैं पौधे को लगाते हैं तो यहाँ बैक्टीरियल विल्ट का काफ़ी समस्या है, जीवाणु जनित रोग जो बोलते हैं वो काफ़ी है, उसका काफ़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ का मिट्टी जो है एसिडिक सॉइल है और एसिडिक सॉइल में इस जीवाणु का, जो कि रेस्टोनिया नामक जीवाणु है, जिसका प्रकोप, जिसका मात्रा बहुत अधिक है, जिससे कि पौधे सूख जाते हैं, मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए जो है सो हम नर्सरी से ही प्रबंधन करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा फायदा होगा। सो अगर बैक्टीरियल विल्ट से हमारा पौधा नुकसान होता है, जैसा कि हमें आगे पता चलता है, हर एक बार आप लगाते हैं तो बैक्टीरियल विल्ट ही उसमें आता है, तो सबसे पहले हम बिचड़ा उपचार करने का कोशिश करेंगे। और जो मिट्टी उपचार है, जो कि हम नर्सरी बना रहे हैं, तो नर्सरी का मिट्टी उपचार करेंगे, जिससे कि हमें बैक्टीरियल विल्ट से भी फायदा हो सकता है और दूसरा कि जो हमारा पौधा गलन, पादप गलन रोग लगता है, इससे भी हम बच सकते हैं, पौधा बच सकता है। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे। सीड ट्रीटमेंट के लिए कोई भी वेस्टीन या कोई अन्य दवा भी हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। और नर्सरी जो बेड बनाते हैं वो थोड़ा ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर, मतलब मिट्टी को चढ़ा करके बनाना चाहिए ताकि पानी उसमें न लगे, एक बात। दूसरा बात, हम अगर अप्रैल मई में अगर बिचड़ा तैयार करते हैं तो अप्रैल मई के समय में काफ़ी धूप रहता है, तो मिट्टी को हम सौर ऊर्जा से उपचारित भी कर सकते हैं, वो जो हमारा नर्सरी का पोर्शन है। इसके लिए जो है सो हम एक स्क्वायर मीटर के हिसाब से, है ना, एक जो है सो 400 ग्राम करंज की खल्ली उसमें डालेंगे। इसके अलावा जो है 5 केजी गोबर का खाद डालेंगे। नर्सरी का साइज आपका जितना पौधा लगाना है उस हिसाब से आप नर्सरी रख सकते हैं, लेकिन ये जो मात्रा बताए एक स्क्वायर मीटर के हिसाब से देंगे। दूसरी बात, उसमें थोड़ा सा नमी जो है सो हम पानी, थोड़ा मॉइस्चर उसमें डाल देंगे। उसके बाद व्हाइट पॉलीथीन से जो है, पारदर्शी पॉलीथीन से, जिसका कि हम लोग कहते हैं 150 से 200 माइक्रोन थिन होना चाहिए उसका, उससे जो है सो पूरी अच्छी तरह से उसको ढक करके 40 से 45 दिन तक हम लोग सौर ऊर्जा से इसको उपचारित करेंगे। उपचारित करने के बाद जो है, जब हम उसको निकालेंगे, पॉलीथीन को हटाएंगे, तो 2-4-10 दिन उसको थोड़ा खुला रखेंगे, तब जो है हम बीज, उपचारित बीज को, है ना, जो हम बीज का उपचार करते हैं वो हम लोग जो है सो कोई भी केमिकल दवा, वेवस्टीन बताया, उससे भी कर सकते हैं। अगर हम जैविक उपचार करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा आजकल मार्केट में बहुत उपलब्ध है और हमारे संस्था में भी ट्राइकोडर्मा अधिक मात्रा में मिल रहा है, हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। ट्राइकोडर्मा का के साथ जो है 8 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का पाउडर प्रति केजी के बीज से उपचार करके, और तब जो है नर्सरी में हम पौधा को लगाएंगे।